नमस्कार दोस्तों, आज का रेस्क्यू है चिरविले गांव में। एक घर में सांप निकला हुआ है और बरसात के मौसम में हम लोग देखिए भींगते हुए आए हैं। करीब ज्यादा बारिश हो रही थी, बारिश के कारण हम लोग लेट हुआ और भैया बार बार फोन कर रहे थे। तो भैया आपको नंबर कहाँ से मिला था? ये अविनाश जी हैं थाना में, वही नंबर दिए। अच्छा, देरी में? नहीं नहीं, यहाँ एयरपोर्ट आर कटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए मेरा अगर नंबर निकालना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, जो चैनल का नाम है अमर स्नेक कैचर। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा अमर सांप पकड़ने वाला, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, उस पर नंबर दिया हुआ रहता है। कभी भी रात बिरात जरूरत पड़े तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए। और थोड़ा सा क्लिप दिखाते हैं पहले सांप का। ऐसा जगह सांप है कि थोड़ा सा उम्मीद है कि अंदर अंदर बिल भी होगा, वो अंदर भी जाएगा। और थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा क्लिप दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह के इसका जो है अंदर जा रहा है। चलिए उधर से निकाल लिया इसको। बहुत भयंकर, बहुत पुराना सांप है, आप देख सकते हैं। ऊपर के भी रास्ता है, वहां देखो आराम से। बस 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 बस, ठीक है, सबको मार दीजिए। देख सकते हैं कितना भयंकर सांप है और काफी खतरनाक, बहुत पुराना सांप। वहाँ पे है ऊपर में, ऊपर चल रहा है। कोई बात नहीं, आराम से, मस्त वीडियो है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग मेहनत जिस तरह से कर रहे हैं, ये घर जो है पूरे 20 इंच के दीवार है। पकड़े तो फिर घूम जाएगा। जान दीजिए, जान दीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए, बस मादिन है, नागिन है। मुंह तो चौड़ा है भाई साहब। एक आदमी कोई आया ना, थोड़ा सा ही वाला ईटा कमारी ना। आराम से देखिए, उस पर नहीं लगना। टॉर्च दीजिए हमको, स्टिक ले लीजिए। काफी खतरनाक, काफी गुस्सा में है अभी। इसके काटने के बाद में इंसान को कुछ होता नहीं है, सिर्फ मृत्यु होता है। तब जब सही समय पर इलाज नहीं कराइएगा तब। फेंकिए उसको, फिर सामान वाले लीजिए। तो भैया आइए, बाहर आइए, इधर से, इधर से ही। Thank you.
दोस्तों ये जो सांप है काफी खतरनाक और काफी खाया पिया घर के परिवार का है, जो कि बहुत राजा महाराजा लोग हैं, और इनके घर से जो है कि इसमें जहर जो होता है न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, इसके काटने के बाद में 45 मिनट के अंदर में आदमी का मृत्यु हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर सांप काट दिया है तो डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल चल जाइए। हॉस्पिटल जाइएगा तो वहाँ पर सिस्टम होता है, यदि जहर छोड़ दिया है तो सिस्टम होगा कि पहला कि 20 से 25 मिनट के अंदर में आपका पेट में दर्द और उल्टी और ज्वाइंट में दर्द, आँख मुलमुलाना, धुलधुलापन लगना, ये नहीं कि मतलब आप गए हॉस्पिटल और जाते के साथ में आपको मतलब एंटीवेनम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि बिंग बजाए तो सांप नाचता है, तो एक चीज दिखा रहे हैं आपको कि हम जिस तरह से पैर करेंगे उस तरह से ये करेगा, देख रहे हैं, ये पैर पर बिंग पर नाचता नहीं है, ये जो है कि वार करने के लिए तैयारी में रहता है हमेशा, आपको वार करने के लिए काटने के लिए चलाइए बड़ा डब्बा में। डब्बा का नहीं होगा, जहरीला सांप मिलेगा कौन कौन सा, गेहूमन करेत और रसल वाइपर, जबकि गेहूमन और करेत में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, हेमोटॉक्सिन जिसमें रसल वाइपर, वो एशिया का सबसे खतरनाक सांप है। और झाड़ फूक तो बिल्कुल नहीं करवाइएगा, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया इसका इलाज होता है, या तो ट्रामा सेंटर चल जाइए सासाराम, या तो फिर अनुमंडलीय अस्पताल में, झाड़ फूक करवाने के लिए कभी कहीं नहीं जाइएगा। और बरसात के मौसम है, इस समय जो है कि जहाँ अब खेती बाड़ी जहाँ होगा सब खेत में पानी लग जाएगा, तो ये सब जो है जहरीला जितना भी सांप है चार जगह पर जाकर छिपने की कोशिश करेगा। तो आपके घर में गोईठा रखा रहता है, ज्यादा करके देहात में गोईठा की व्यवस्था होता है कि गोईठा घर में गोईठा रहेगा, वहाँ पर ही जाकर चूहा के खेती में चक्कर में वहाँ जाके बैठ जाएगा, और जाइए गोईठा निकाले उस समय काट देगा। ये अभी काट सकता है कि नहीं? बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें जहर है। आप लोग काट रहे हैं? अरे हम लोग के पास ऐसा कोई यंत्र मंत्र नहीं है, हम लोग भी काटेगा, हम लोग वेनम लेकर चलते हैं हम लोग अपना। हमें भी काटा है, हम भी गए हॉस्पिटल, 3 बार हमको सांप काटा है, जो कि हम हॉस्पिटल जाके जीवित है अभी तक। लेकिन ये नहीं कि आप मेरा देखा इसकी काम कीजिएगा, तो कहा कहल गए भैया कि दुर्घटना घटी या पूरी बट्टी वाला हिसाब हो जाएगा। नुकसान पहुंचाने के लिए ये मांसाहारी जीव है, सांप दूध दूध नहीं पीता है, ये सब अफवाह है। जो चैनल का नाम है अमर स्नेक कचर, मेरा यूट्यूब चैनल जो है अमर स्नेक कचर, आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा, उस पर नंबर दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देख करके सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7979724374, जब भी जरूरत पड़े रात भी रात आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। और ये पर्यावरण की चीज़ है, इसके चलते आपके घर में 50% आना जाता है, सांप जिस दिन खत्म हो जाए तो उस दिन से मतलब आपके घर में अनाज भी आना कम हो जाएगा, और सांप है तो हम भी जिंदा हैं। इस सांप के जहर से इतना सारा दवा बनता है जो कि उस दवा को खाकर हम लोग जीवित हैं, जैसे में हो गया कैंसर का। और बता दे रहे हैं कि हम लोग जैसे जो है कि सपेरा लोग आता है, सपेरा होता है मंत्र से सांप निकालने के लिए, तो उन लोग से बोलिएगा कि इस तरह के सांप निकाल करके जिस तरह से लोग हाथ में पकड़ लेता है, हाथी में डाल लेता है, तो ये सांप को नहीं लेकर आता है, वो लोग सांप अपने पास लेकर आता है इससे, और उसका दांत तोड़ा हुआ रहता है। नहीं सर, अब तो इतना नजदीक है हम क्या करूँ, अरे मंगवाओ ना डिब्बा अभी टेनिया गोल फिर भैया गोल बोला हटाओ जाइए। आपके घर से हॉस्पिटल की दूरी है तो आपके घर में पूजा करने वाला कपूर होता है, वो कपूर 5-7 ले लीजिए, और लेने के बाद में उसको मिस दीजिए, और सूती कपड़ा में जो है कि उसको पुटली बना लीजिए, पुटली जो नहीं होता है पुटली बना लीजिए, पुटली बनाने के बाद में दोनों नाक में लगा दीजिए, और जिस व्यक्ति को सांप काटा है उस व्यक्ति को जो है कि मतलब नाक में लगा करके उसको सांस खिंचवाते रहिए, वो ताकि हार्ट तक न पहुंचे, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, अकबकाना नहीं है। भीड़ लगा दीजिए, सांप काटा है किसी व्यक्ति को, डोड़वा सांप काट ले है, अब 10 आदमी आगे कह रहे औरत लोग जुट जाएगी ना भैया, क्या कहती है कि ये दीदी डर मत रखिए। और जहाँ सांप काट दे तो वहाँ बांधा उन्ना नहीं है, बाहर नहीं दीजिएगा कस के, वहाँ डॉक्टर खोलेगा 5 मिनट में मर जाइएगा, ना ब्लेड मारना है, बिल्कुल नॉर्मल रहिएगा, 4 घंटा तक जीवित रहिएगा, 4 घंटा बहुत है जीने के लिए, हॉस्पिटल जाइएगा बच जाइएगा, वो डब्बा नहीं छोड़ दीजिए। सामने तो देखते रहे मुँह हाथ।
देखिए इसका जो दांत है देखिए किस तरह से डायरेक्ट लैटिन कर दिया। इसका दांत देखिए ये होता है देख रहे हैं। वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।